Assalamu alaikum and welcome to Asia Cricket Cup, sponsored by Tang and presented by none other than Coca-Cola. And of course, sponsored by Zameen.com, Imran Ali Khan, Zishan Ali Khan. इन्होंने ये कंपनी 2006 में फॉर्म किया. 5,500 इनके एम्प्लॉयज, 55 लाख इनकी हिट्स उनके वेबसाइट पे, 20,000 से ज़्यादा इनके एजेंट्स हैं पाकिस्तान में जो कि आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और आज इनकी जो EMPG पेरेंट कंपनी है उन्होंने OLX को एक्वायर करके ये यूनिकॉर्न की $1 बिलियन की कंपनी बन गई. अब आते हैं क्रिकेट पे. क्रिकेट पे आज बड़ा ज़बरदस्त मैच है, इंडिया का है. और ऑफकोर्स इस इंडिया का मैच हम देखेंगे कि इसका आगे रिजल्ट क्या निकलेगा. श्रीलंका, उसका जो आप देख लें पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. श्रीलंका 183 उन्होंने किया बांग्लादेश के साथ, फिर उन्होंने 176 किया अफगानिस्तान के साथ. इंडिया का आपको पता है पहला बड़ा क्लोज मैच हुआ पाकिस्तान के साथ, फिर उन्होंने वाइट वॉश किया, बल्कि मिस मैच किया इसके साथ हांगकांग के साथ. बड़ा ज़रूरी है इंडिया के लिए कि अगर उसने फाइनल में आना है आज उसको ये मैच जीतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के दो मैचेस रह गए उसके हैं, एक है अफगानिस्तान के साथ और एक है श्रीलंका के साथ. अब बात आती है इनका हेड टू हेड क्या करेंगे. इन्होंने खेले हैं 25 मैचेस ओवरऑल T20 के, जिसमें 17 मैच इंडिया ने जीते हैं और 7 मैच इसने जीते हैं हमारे श्रीलंका ने. एशिया कप में आ जाए, 20 मैचेस खेले, 10 इंडिया जीती है और 10 श्रीलंका जीती है. सो दिस इज़ अ ग्रेट कॉन्टेस्ट के 11वां, अब ये 21वां मैच है, ये कौन जीतेगा. सलीम मलिक पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान और ऑफकोर्स अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के साबिक मीडियम ऑलराउंडर मीडियम पेसर, ये हमारे साथ मौजूद है. इनके व्यूज़ लेते हैं. सलीम, आप क्या कहेंगे, इवन है एज़ फार एज एशिया कप इज़ कंसर्न्ड? नहीं, बिल्कुल इवन तो है, मगर एक चीज़ अलार्मिंग है इंडिया के लिए कि देखें इंडिया जो स्ट्रगल कर रहा है ना, जो मुझे नज़र आ रहा है कि इंडिया की बॉलिंग बहुत वीक है. इंडिया ने हमेशा कोशिश की है कि बैटिंग उनकी स्ट्रॉन्ग रही है, तो दो प्लेयर के स्पेशली उनकी बड़ी बैलेंस टीम थी उनकी, बुमराह और जडेजा के होने से जब थे दोनों खेल रहे थे तो बड़ी बैलेंस थी, बॉलिंग उनकी ठीक थी, वो कवर कर जाते थे. अब जैसे ही बुमराह नहीं था, पिछले मैच में पाकिस्तान का जो पहला मैच हुआ था फ्रेश विकेट थी, बॉल निकल रहा था, सर्वाइव कर गए. अब जैसे ही मैंने कहा था कि जैसे जैसे इस पे मैचेस होंगे विकटें स्लो होती जाएंगी, अब उनके पेस तो वो चीज़ रही नहीं, आपने कल देख लिया कि इन ये स्ट्रगल इसलिए मैं कह रहा हूँ कह रहे हैं कि बुमराह और जडेजा के जाने से, कि इन्होंने आप देखें कल के मैच में अगर नवाज़ जब खेलने आया था तो उसने फ्रंट फुट पे छक्का मारा उसको, मतलब एक फास्ट बॉलर को नवाज़ को आपने कभी नहीं देखा इस नंबर पे बैटिंग करते, मगर नवाज़ जैसे बैट्समैन ने फ्रंट फुट पे उसको ऑन दिया, छक्का दिया. तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया अगर लंबा स्कोर नहीं करेगा तो इंडिया स्ट्रगल करेगा. इवन मैं आज के मैच में भी मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर ना किया तो इंडिया फंस जाएगा, क्योंकि इनके आप देखें विराट कोहली की जो टीम थी वो हमेशा उसके पास बड़ी अच्छी टीम है, IPL में सारे टोटल बैट्समैन होते हैं, मगर वो 200 करके भी चेज़ करवा देते थे, आप उनके अक्सर मैच देखो. तो हमेशा टीम जो है ना वो बॉलिंग जितवाती है, तो अगर आपकी टीम बॉलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इंडिया चूँकि स्ट्रगल कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आज के मैच में भी श्रीलंका के खिलाफ अगर इन्होंने इसी तरह पाकिस्तान जितना स्कोर किया तो श्रीलंका इनको फंसा सकता है, क्योंकि श्रीलंका की बैटिंग तो अच्छी है. क्यों जी? एग्जैक्टली, और मेरा ख्याल कि बिल्कुल सही सलीम भाई ने किया कि अगर तो जिस टाइप की इनकी बॉलिंग है इंडिया की, श्रीलंकन अगर लास्ट मैचेस उनको उठाकर देखे तो 178 उन्होंने चेज़ किया, उससे पिछले मैच में उन्होंने काफ़ी बड़ा स्कोर किया. तो जो उनके मेन बैट्समैन हैं, जिस तरह वो शनाका है, उसके बाद कुछ शार्ल मेंडिस हैं, उसके बाद एंड पे राजा पक्से हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में. और मेरा ख्याल है कि जो इंडिया की बॉलिंग की बात कर रहे थे सलीम भाई, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि वो मीडियम पेसर हैं, और मीडियम पेसर मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंका के लिए इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं इन पिचेस पर, जिन्होंने अपना टोटल कलर भी चेंज कर दिया और उसके बाद उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया, स्लो हो गई हैं,
उसमें थोड़ा सा डेफिनेट हेल्प आउट हो रहा है स्पिन बॉलर्स को, मगर फास्ट बॉलर के लिए किसी किस्म की वहाँ पर सपोर्ट नहीं है। उसमें जो इंडियन दूसरा, उसके बाद उनके पास कोई एक्सपीरियंस T20 बॉलर नहीं है। आपने लास्ट मैच देखा पाकिस्तान का, उसमें हार्दिक पांड्या 130-131 की पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो मुनीषव कुमार हैं उनकी पेस भी 128 से 130 तक है, मगर वो अपनी लाइन एंड लेंथ पर ही कंट्रोल नहीं कर सके। आप 130 पे नहीं आप अफोर्ड कर सकते शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करवाना, और वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग नो डाउट के जो पहला मैच पाकिस्तान के साथ था उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी था, ग्रीन भी था, थोड़ा विकेट भी दिया था। पांड्या का बड़ा एक्सपीरियंस है, आप भी फास्ट बॉलर हैं, ये मुझे बताइए कि इतने एक्सपीरियंस के साथ, तजर्बे के साथ, आपको ओपोनेंट का भी पता है, फिर शॉर्ट बॉल क्यों? देखिए डेफिनेट इस पर उन्होंने वर्क किया, क्योंकि पांड्या बहुत लंबे अरसे से इंडियन टीम के साथ हैं और जितनी उनकी IPL लीग्स हैं उसमें बड़े मेजर इनका कंट्रीब्यूशन होता है, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी। तो इस मैच में मेरा नहीं ख्याल कि क्यों इतना एक सीजनल प्लेयर, इतना मेच्योर प्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जो ऑलराउंडर है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट, बट इज इट अ साइन ऑफ टायर्डनेस, स्टेलनेस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि टायर्डनेस क्या है, क्योंकि अगर टायर्डनेस होती तो थोड़ा सा वो वेरी कर सकते थे अपनी लेंथ को। वो एक जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे थे वो जानबूझकर शॉर्ट ऑफ लेंथ वो बैट्समैन को चेक करना चाह रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि क्या मे भी उनके दिमाग में एक डाउट है। जो पहला मैच खेले हैं उसमें उन्होंने 3-4 पाकिस्तान के बैट्समैन शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग पे आउट किए, मे भी उनका यही हो कि इनकी जो अर्ली ऑन बैट्समैन आउट हो चुके हैं, नवाज़ क्योंकि लेटर पार्ट में आया है तो इसको शॉर्ट ऑफ लेंथ में ट्राई करूं। मिस रीड किया है, मेरा ख्याल उन्होंने मिस रीड इसलिए कि वो उनके ख्याल में था कि ये शायद टेल एंडर है, उनको ये नहीं आइडिया था कि वो हमारे फर्स्ट क्लास में बड़ा स्कोर करता है, तो मेरा ख्याल वो मिस रीड कर गए कि ये इसको शॉर्ट पिच करेंगे तो इससे खेला नहीं जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो, और फिर पीजे जब आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो तो आपको बड़ी जल्दी रीड करना चाहिए चीज़ों को, पिच को, कि इस वक्त पिच क्या बिहेव कर रही है। आपके पहले स्पेल में 2 ओवरों में आपको पता चल जाना चाहिए था कि वो पहली वाली विकेट नहीं है, कि बाउंस होएगा। तो आप अगर वो गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सेंस नहीं है इतनी क्रिकेट की कि आप विकेट को रीड कर सकें। बिल्कुल, और ये तो कह रहे हैं कि आपको जल्दी 2 ओवरों में 4 आपके ओवर्स हैं टोटल, मैं तो समझता हूँ कि आपको कम से कम 2-4 बॉलों के अंदर आपको पता लग जाना चाहिए कि आपने करना क्या है। पहले 2 बॉलों के बाद, 2 बॉलों के बाद। बिल्कुल, देखिए आजकल तो जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं जो जाकर पिच टेस्ट करते हैं, हर टीम ने अपने साथ एक्सपर्ट्स रखे होते हैं, उनकी यही ड्यूटी है कि जाकर वो चेक करें कि पिच की क्या नोयत है और किस किस्म का वो पार्ट प्ले करेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये मैच शुरू होने से पहले ही ऑलरेडी उनके माइंड में होना चाहिए और वो अपनी टीम को बिल्कुल एग्जैक्टली उनको गाइड कर देना चाहिए कि ये जो पिच है इसका बिहेवियर इस किस्म का है और ये इस तरह बिहेव करेगी और आपको इस किस्म की इस पर बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो टू लेट हो जाता है कि आजकल अगर T20 है तो आप 2 ओवर इस पिच पे अगर टेस्ट करेंगे 2 ओवर करने के बाद। मेरा ख्याल कि जैसे आप इनके एक्सपर्ट्स के सुनते हैं इंटरव्यू जब वो पिच पे टॉस करने जाते हैं तो वो आपको ऑलरेडी बता देते हैं, जिस तरह वसीम भाई बता रहे थे कल पिच के बारे में कि अगर ड्राई डाउन हो चुकी है और इसमें जब ब्राउन घास है उसमें उस तरह की सीम या स्विंग नहीं होगी और ये हेल्प आउट नहीं करेगी उस तरीके से फास्ट बॉलर्स को। तो मेरा ख्याल है कि ये मैच शुरू होने से पहले आजकल ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। उसने मैच शुरू होने से पहले देखा नहीं नहीं, वहाँ के जो ग्राउंड्समैन है रवि वो कहते हैं जी कि अच्छा इसको ये बीच में वाटर नहीं करते या थोड़ा सा इसमें प्रमोशन डाले, ये वो मैच से पहले आप वो नहीं कर सकते कि नहीं, एक दिन पहले कर लें या 2 दिन, लेकिन आपके पास जगह ही आप तो गैप ही नहीं है ना। आप देखें वो विकेट इसलिए ख़राब होना शुरू होती है कि रोज़ मैच होता है और आप उस पर स्पाइक से भागते हैं, इवन साइड वाली विकेट। अच्छा आप जरा रोशनी डालिए सलीम, ये क्या वजह है कि इंडिया शारजा नहीं खेलती, दुबई खेल रही सारे मैचेस? यार वो आपको रीज़न पता है, जब आसिफ इकबाल हुआ करते थे तो जब से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम शारजा में मैच नहीं खेलेंगे, आप देखें कभी भी उसके बाद, चूँकि पाकिस्तान से इतने मैचेस हारे थे वो, तो शायद कोई साइकोलॉजिकली उनके जहन में है कि हम शारजा में मैच जीत नहीं सकते। और क्राउड सारा पाकिस्तानी सपोर्टर, क्राउड तो इवन अबू दुबई में भी, तो फिर भी आप बैलेंस आउट कर लेंगे नहीं, पर शारजा में तो इंडियन शारजा में भी हैं दुबई और दुबई अबू धाबी मिक्स क्राउड होता था, मगर ये है कि वहाँ मैच बहुत आ रहे थे वो, इसलिए शायद उसके बाद आप देखें उन्होंने डिसाइड किया था कि हमने यहाँ मैच नहीं खेलना, वो कभी भी नहीं खेले उसके बाद। नहीं तो फिर क्या इंडिया डिक्टेट करता है कि कहाँ उसने खेला? इंडिया तो हमेशा डिक्टेट करता है, ये तो क्रिकेट में वो अमेरिकन रोल है उसका कि वो देखे ना रेवेन्यू सारा जनरेट वो कर रहे हैं, तो जब एक बंदा रेवेन्यू सारा वही जनरेट कर रहा है 70% मेरा ख्याल वो करता है,
तो वो डिक्टेट भी वो करता है। उन्होंने तो कई दफ़ा अंपायर चेंज करवा दिए, आपको याद हो गया तेंदुलकर को आउट देने पे, तो डिक्टेट तो वो करते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं बोलते? देखें ना, अगर इन एक्चुअल इफेक्ट देखें, बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, हांगकॉन्ग ले लें, अफगानिस्तान ले लें, ये तो साइड मैचेस खेलने वाले मेन कंटेंडर्स तो आपका इंडिया और पाकिस्तान है। और क्राउड्स आप देख लें जाके ग्राउंड्स के अंदर, जब इन दोनों के मैचेस होते हैं ग्राउंड में जगह नहीं है। सो पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस पर वेरी करता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया है, और जो उनका सिस्टम है पिक एंड चूज का वो वेरी गुड है। उसके बाद वो इलेक्टेड लोग हैं जो उनकी गवर्निंग बोर्ड है, उसमें जो उनकी एसोसिएशन हैं, जो जिस तरह बावल हैदराबाद है या दिल्ली है, ये प्रॉपर लोगों को वहाँ से इलेक्ट करते हैं और वहाँ एक वोटिंग सिस्टम है, उसके ज़रिए आपका प्रेसिडेंट बनता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से पिछले 8-10 साल से, जिस तरह सलीम भाई को भी पता होगा, कि एक म्यूज़िकल चेयर चलती रही है पाकिस्तान की चेयरमैनशिप के लिए। जो प्राइम मिनिस्टर आता था, अपना जो फेवरेट आदमी होता था उसको वो ऑब्लाइज करता था, उसको बना देता था। इवन एक टाइम ऐसा आया पीछे 3-4 साल पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जितना भी अमला था वो हाथों में हार लेकर गेट की अकेडमी के गेट पर खड़े रहते थे। एक दिन शहरयार खान साहब आ रहे होते थे चेयरमैन मान के, उनको हार डालते थे। दूसरे दिन ज़का अशरफ आ रहे होते थे, उनको हार डालते थे। तीसरे दिन सेठी साहब आ रहे होते थे, उनको हार डालते थे। यानी कि एक हार 3 दफ़ा इस्तेमाल होता था 3 दिनों में। तो जब आपका आप अपना सिस्टम ही इस तरीके से चलाएंगे, उसको एक म्यूज़िकल चेयर की तरह उसको एक जगह सही बना देंगे पूरी दुनिया में, रहूँ फ़ायदा भी होता है क्योंकि लिबर्टी मार्केट में फूलों की बिजनेस बढ़ जाती है। बिल्कुल लेकिन अब खैर आप रुक गए क्योंकि रमीश तो भी हैं इसमें। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात यह है कि जो फूलों का बिज़नेस करने वाले थे लिबर्टी में, उनका बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया, मगर पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान ICC में इंटरनेशनल क्रिकेट में आइसोलेट होकर रह गया, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को इस चीज़ का नुकसान हुआ। ये अच्छा, इंजरी पे अगर हम आते हैं, अब जडेजा भी आउट हो गया, बुमराह आउट हो गया, हमारा धानी है, अब आप इसे एग्री करेंगे कि बोथ इंडिया और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं और बॉलर्स पर्टिकुलरली, ये ज़्यादा इंजरी है बिकॉज इन्होंने ये ओवर एक्सपोज हो गए क्रिकेट में? देख, एक काउंटी क्रिकेट में, एक IPL में। देखिए, पाकिस्तान जो जडेजा उनकी जो इंजरी है वो डिफरेंट टाइप की, मैं भी कोई बॉल हिट किया उनके नी पर और उसकी वजह से कुछ उनको इंजर्ड हुई है, मगर जो पाकिस्तान के बॉलर हैं जिस तरह शाहनवाज दानी है और उसके बाद नसीम शाह की जो इंजरी हुई है, उसके पहले जो आपके शाहीन अफरीदी है उनकी, वो डिफरेंट नोयत की है। वो मेरा ख्याल है कि उसमें फॉल्ट आ जाता है पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है, तो उनको प्रॉपर मैनेज नहीं कर सका। अगर आपने शाहनवाज दानी का एक्शन देखा तो वो एक मिक्स एक्शन है, उसको स्ट्राइक स्ट्रेन इंजरी होने की होती थी, क्योंकि ये जो आपकी रिब्स होती हैं, 12 रिब्स हैं यहाँ पर, इनके दरमियान में इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो हर रिब के दरमियान में होते हैं, जिससे हम सांस लेते भी हैं और सांस खारिज भी करते हैं, तो वो एक्सटेंड भी होते हैं और इंटरेक्ट भी होता है उनसे। तो उनके दरमियान में जब फास्ट बॉल का मिक्स एक्शन हो, तो उस जो बॉलिंग आर्म और नॉन बॉलिंग आर्म उनकी जब प्रॉपर वो स्विंग करने की कोशिश करता है किसी बड़े मैच में, पूरा वो जोर लगाने की कोशिश करता है, तो जो आपके इंटरकोस्टल्स हैं एक्सटर्नल इंटरनल या जो इनर है जो एब्डोमिनल के साथ होते हैं, उन तीनों में से किसी में कोई ना कोई टीयर आ जाता है, स्ट्रेन या स्ट्रेन। तो और ये इसको कितनी देर लगती है ठीक? ये मेरा ख्याल है कि 7 वीक से पहले किसी सूरत भी सही नहीं हो सकता। अभी तो आपका वो इंग्लैंड के साथ शुरू हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि शाहनवाज दानी अभी 40-45 दिन के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं। और व्हाट अबाउट अफरीदी? अफरीदी का भी थोड़ा इशू आएगा क्योंकि जो लिगामेंट है नी का, उस पर ही क्योंकि एक आपका वो चल उसका हैमस्ट्रिंग्स का नहीं? नहीं, उसका नी का इशू है और मेरा ख्याल है कि वो भी थोड़ा लंबा ही है। अच्छा, ये जो पीजे, ये जो शाहीन को निकाल दो आप, कि वो एक मेन हमारा वो थोड़ा सा इनसे बहुत आगे निकल गया हुआ है, बाकी जितनी भी आप देखो टीम में प्लेयर हैं फास्ट बॉलर, ये सब एक जैसे ही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के अनफिट होने से कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनका लेवल सबका एक जैसा ही है जितने भी बाहर बैठे हुए हैं। तो वह फर्क स्ट्राइक बॉलर तो नहीं है ना इनमें से? वो है ही नहीं, इसलिए देखें ना, अगर कोई उसकी रिप्लेस करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान टीम को कोई इतना ख़ास फ़र्क पड़ेगा। हाँ, जैसे इंडिया को ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि उनके मेन दो बॉलर थे जो टीम का बैलेंस लेके जा रहे थे। तो पाकिस्तान में तो आप देखें नीचे से अक्सर चेंज होते हैं शाहीन के अलावा, बाकी मेरा ख्याल सब जितने भी बेंच पे लोग बैठे हुए हैं वो सब एक जैसे ही हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि उसके जाने से आपको ये फील हो कि यार ये चला गया लड़का तो अब टीम का बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दानी के जाने के बाद आप देखें दूसरा आ गया, वो भी वो वैसी बॉलिंग ही कर रहा है जैसी वो करता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फ़र्क पड़ेगा। मुझे अफसोस होता है, एक एपिसोड याद आता है
कि हमारे जब मेन फास्ट बॉलर्स भी होते थे, वसीम हो गया, वकार हो गया, आकिब हो गया, मोहम्मद जायद को हमने ज़ाया कर दिया, जो कि मैंने देखा है कि ग्रेग चैपल इन चैपल को भगा दिया था, इतना तेज था वो। एक्चुअली पीजे उसके साथ बड़ी ज़्यादती की थी इन्होंने। आपको अक्सर हम बात करते हैं कि श्रीलंका में पानी लेके जाओ तो बंदा अनफिट हो जाता है। अब देखें ये यहाँ ना कैप्टन बड़ा रोल प्ले करता है कि एक फास्ट बॉलर जिसका इतना लंबा स्टार्ट हो और आपका स्ट्राइक बॉलर हो, उसको कभी भी आप श्रीलंका में 5 ओवर का स्पेल नहीं करवा सकते। मतलब ये उसके साथ ज्यादती है। इसका मतलब है कि अगर आप उसको 5 ओवर का स्पेल करवा रहे हो, इसका मतलब आप चाहते हो कि ये अनफिट हो जाए। अब उसके साथ क्या हुआ कि उसको लंबे लंबे वहाँ स्पेल करवाए गए, वो बेचारा अनफिट हो गया। वो जो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी कि एक इतना अच्छा बॉलर जो पाकिस्तान को बड़ा लंबा सर्व कर सकता था, उसको अनफिट वो बेचारा हो गया। उसके बाद मुझे याद है वो काउंटी खेलने गया, उसकी बैड लक बेचारे की ये थी कि वो मैच स्टार्ट होने से पहले, जो काउंटी की मैचेस शुरू होते हैं उससे पहले वो बेचारा कुछ दिन पहले अपना प्रैक्टिस मैच में वो अनफिट हुआ और उसको ना पैसे मिले कॉन्ट्रैक्ट के, उसको कुछ नहीं मिला। और वो मुझे याद आया कि मेरे बहुत सारे दोस्त, चूँकि इंग्लैंड बहुत टाइम गुजरा है, तो वो बेचारे मुझे याद है कि वो बेचारा लोगों से पैसे मांगता रहा कि यार मेरा इलाज करवा दो। अब उसमें किसकी ज़्यादती थी? सबसे बड़ी ज़्यादती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी कि अब तो फिर भी लोगों को इलाज करवाया जाता है। वो बेचारे के साथ ना उस वक्त मेरा ख्याल है माजिद खान थे, इन्होंने उसको ना इलाज नहीं करवाया उसका, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक ऐसा बॉलर जिसका दुनिया में नाम होता, मतलब लारा जैसा बॉलर जो कहता था कि ये यार्ड तेज़ है, तो उसके साथ इन्होंने बड़ी ज़्यादती की। लेकिन अब हालात बेहतर हैं क्यों कि नहीं, क्यों उसी तरह ही? देखिए हालात जब तक प्रोफेशनल लोग नहीं लाएंगे, क्योंकि जिस तरह स्लिम, अच्छा एक सेकंड, प्रोफेशनल लोग क्या बात करते हैं, अफरीदी इंजर्ड है, इसको मैं ग्राउंड पर देख रहा हूँ, इसको वापस पाकिस्तान आके अपनी रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए कि नहीं, इसका क्या काम? बिल्कुल मैच के फायदे की बात, बिल्कुल, और जो आपका इंजर्ड है आपने उसको वहाँ डगआउट में बिठाया हुआ है, आप उसको पाकिस्तान भेजो फिजियो। बिल्कुल, और डॉक्टरों का एक पैनल होना चाहिए जो यहाँ पर उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। इंग्लैंड में चला गया वो, अब इंग्लैंड जाने का फ़ायदा नहीं है। पहले आपने श्रीलंका उसको लेकर गए, श्रीलंका उसको लेकर जाना बिल्कुल गैर ज़रूरी था, क्योंकि आप अपना मेजर फास्ट बॉलर जिस तरह सलीम भाई ने बात की है, मोहम्मद जायद श्रीलंका से अनफिट हुआ था, उनका भी यही प्रॉब्लम था, उनका भी मिक्स एक्शन था, उनकी जो लोअर ये बैकबोन की जो आखिरी है उसमें थोड़ा सा फ्रैक्चर आया हुआ था, उसको खिलाते गए। अब ये होता है कि वो बेसिकली वो बॉलर थे, वो अपने आर्म से बॉलिंग करते थे, उनका आप जो आर्म स्पीड थी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और रनअप की वजह से वो जनरेट करते थे, एक्सेलरेट करते थे। अब वो उनको चाहिए थी ऑस्ट्रेलियन टाइप की या न्यूजीलैंड या ग्रीन इस टाइप की पिचेस चाहिए, ताकि वो अपने बाजू से ही बॉलिंग करते रहते। मगर श्रीलंकन कंडीशन में देखें, जब मैं प्रोफेशनल की बात करता हूँ तो प्रोफेशनल इन अ सेंस कि आपके पास स्पोर्ट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, बायोमैकेनिक्स का भी होना चाहिए और क्रिकेट बॉलिंग आपने की होनी चाहिए और उसका नॉलेज होना चाहिए। आपके पास नहीं है इसलिए वो इंग्लैंड गया, इसीलिए वो अगर आपके पास ये सारी नॉलेज इधर होती और ये अनफिट ही ना होता। अनफिट ही ना होता, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। हमारे पास अपने फिजियोज एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फिटनेस की होनी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इस पे और बात होती है इस छोटी सी गेम। Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, sponsored by Zameen.com. Toss Sri Lanka jeet gaye and per standard SOP, kyunki sare tournament mein jisne toss jeeta hai usne pehle fielding ki hai. Ye kya wajah hui isliye? Piche wo ek trend chal raha hai na, chase kar rahe hain log, magar isme mere khayal mein dekhen India ki पिछले मैच से लोगों को, अगले जो जितने भी मैच होंगे उनको समझ आ गई है कि इंडिया की बॉलिंग काफ़ी वीक है। अगर आप देखो टॉस पे रोहित की ने कहा कि हम भी जीते तो बॉलिंग ही करते,
क्योंकि वो चीज़ अच्छा कर सकते हैं, उनकी बैटिंग लंबी है, मगर वो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होएगा इस मैच में श्रीलंका को हराना, क्योंकि वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग लिंक उनका बहुत वीक है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया आज के मैच में भी फंस सकता है। उनकी एक चेंज की है, अश्विन लेके आए हैं, जो हम बार बार कहते थे कि इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, इसको क्यों नहीं खिला रहे। देखें ना, कल लेफ्टी के लिए अगर वो होता तो शायद पाकिस्तान को मुश्किल होती, क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है। तो वो उसके आने से शायद थोड़ा सा बॉलिंग में बेहतरी हो, क्योंकि श्रीलंका के पास काफ़ी लेफ्टी हैं। मगर इंडिया को सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत वीक है। आपका ख्याल है अगर बिश्नोई को रखते अंदर एक वेरिएशन आ जाती है, और अशदीप को आप बाहर करते हैं, क्योंकि अशदीप ने बड़ा अच्छा खेला पाकिस्तान के लिए कल। देखें, मेरा ख्याल है कि इनका वीकर लिंक इनकी फास्ट बॉलिंग है, और अशदीप मेरा ख्याल है कि डेप्थ ओवर में इस टाइम पर इंडिया का सबसे बेस्ट बॉलर वही है। नो डाउट कि एक जो इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, एक बिल्कुल लॉलीपॉप कैच था, उसने ड्रॉप किया और मैच उनके हाथ से निकल गया। मगर इसके बावजूद अगर वो कैलकुलेशन थोड़ी बेहतर करते और सेकंड लास्ट ओवर जब दो ओवर में 26 रन चाहिए थे अशदीप से करवाते, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होता पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर जब बुमराह भी नहीं खेल रहे, शमी अहमद टीम में नहीं है, उनकी यादव भी नहीं है, तो अशदीप की टीम में जगह बनती है। दूसरा, सलीम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनकी अश्विन की जगह लास्ट मैच में भी थी। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि दो लेग स्पिनर के साथ इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहा है, जब देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो लेफ्ट हैंडेड है, जडेजा भी नहीं था, जडेजा भी नहीं है, और उसके बाद खुशदिल शाह लेफ्ट हैंडेड है, उसके बाद फ़खर जमान है पाकिस्तान के पास, और मोहम्मद नवाज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उसके बावजूद दो लेग स्पिनर के साथ गए, तो वो हैवीली कंसीड हुआ। अभी श्रीलंका की टीम में भी तीन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और तीनों इन फॉर्म हैं, तो इसीलिए उन्होंने अश्विन को खिलाने का फैसला किया। तो जो आपने बात की है कि ये एक ट्रेंड भी है, और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो सब टीमें इनका वीकर लिंक इनकी बॉलिंग है, तो वो अपना अपना जो वीकर लिंक है उसको छुपाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ट्रू पिचेस हैं, और जब तक आपके पास एक्सप्रेस बॉलिंग ना हो और कोई टॉप क्लास स्पिनर आपकी टीम में शामिल ना हो, अफगानिस्तान की टीम वो डिफरेंट टीम है बाकी टीमों के निस्बत, उनमें अच्छे बॉलर शामिल हैं जो कि गेम चेंज कर सकते हैं, मगर बाकी टीमों के पास कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग स्पिनर भी नहीं है और फास्ट बॉलर नहीं है कि जो सेकंड पे जाके डिफेंड कर सके स्कोर को। मगर अफगानिस्तान चेज करवा दिया था उसने, हालांकि हम समझते थे कि उनकी बॉलिंग बहुत बेहतर है बाकी टीमों से, मगर श्रीलंका ने चेज करते हुए उनको हराया था। बिल्कुल, एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद द शो, हमारे साथ रहिए। Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, sponsored by none other than the company I've been reminding you time and again, Zameen.com. Imran Ali Khan, Zishan Ali Khan, 2006 mein unhone ye company ko form kiya aur uske baad isko heights pe leke chale gaye, 5,500 employees, 55 lakh inki hits hai website ke upar, aap jaye zara dekhein aap, aur 20,000 se zyada inke agents. इन्होंने EMPG जो इनकी पेरेंट कंपनी है इसको एक्वायर करके इन्होंने $1 बिलियन की यूनिकॉर्न कंपनी इस्टेब्लिश कर दी। अब बात आती है कि ये जो मैच हो रहा है, इस मैच का क्या बनेगा। अब दोनों ने 20 मैचेस खेले बिटवीन द टू, श्रीलंका एंड इंडिया, जिसमें 10 इंडिया जीता है, 10 श्रीलंका जीता है। आप आज के मैच की क्या प्रोडिक्शन करेंगे? देखिए, मुझे तो श्रीलंका लग रहा है कि जीतेगी। इंडिया गो के बहुत अच्छी टीम है, मगर मेरी फेवरेट श्रीलंका है। देखिए, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें तो जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है वही मैच जीत रही है, तो इसमें श्रीलंका को एडवांटेज मिल गया कि वो टॉस जीत कर उन्होंने पहले बॉलिंग की और सेकंड बैटिंग करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका। ओके, क्विक आंसर, स्ट्रैटेजी पे जाना है या ट्रेंड पे जाना है? देखें, फिलहाल तो ट्रेंड पे जा रहे हैं। ट्रेंडिंग क्यों जी? स्ट्रैटेजी भी अगर देख लें तो उनकी बॉलिंग वीक है। बॉलिंग वीक है, ओके। Thank you very much, gentlemen.
आपसे कल दोबारा मुलाकात होती है 6 बजे. इन द मीन टाइम लुक एट दिस एक्साइटिंग मैच विच यू विल बी विटनेसिंग टुडे, इंडिया एंड श्रीलंका. अंटिल टुमारो 6 o'clock, खुदा हाफिज़.